यस, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखिए अपने पास क्या है, एक्चुअली दो कर्व है अपने पास यहाँ पर। एक तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स, इसके पॉइंट 1.7 पर जो टेंजेंट है वो इस सर्कल को टच कर रहा है, और फिर उसमें जो अननोन वेरिएबल है अपने पास यहाँ पर सी, इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है यहाँ। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो पैराबोला है अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स, इसके इस पॉइंट 1.7 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अपन यहाँ पर, और फिर ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करती है अपने यहाँ पर। तो इसके इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय यूजिंग टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो मतलब अपने पास यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्स वन जो कि वन है अपने पास यहाँ पर, और इक्वल टू वाई, वाई को अपन रिप्लेस कर देंगे वाई प्लस वाई वन बाई टू, एंड वाई वन इज सेवन बेसिकली, एंड माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। तो ये अपने पास यहाँ पर मिल जाता है टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस सेवन माइनस ट्वेल्व, इट मीन्स टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव। ये अपन इसको लिखते हैं टू एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये टेंजेंट हो गया देखो अपने आप यहाँ पर पैराबोला पर। अब ये टेंजेंट सर्कल के ये जो है अपने आप यहाँ पर सर्कल को भी टच कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो पी इक्वल टू आर अपन लगाकर जो है ये इसका सेंटर अपने आप यहाँ पर कितना माइनस एट कोमा माइनस सिक्स, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इक्वल टू आर अपन कर दें, तो इससे अपने को यहाँ पर जो है एक रिलेशन मिल जाता है, वो देखो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस सिक्सटीन इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये माइनस सिक्स मीन्स प्लस सिक्स और प्लस फाइव डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये फोर प्लस वन विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अपने पास यहाँ पर। तो जी स्क्वायर मतलब कितना 64 और प्लस एफ स्क्वायर मतलब 36 और ये माइनस सी अप, तो इट मीन्स अपने पास यहाँ पर ये क्या मिल जाता है अपने को 6 और 5 11 माइनस 16 यानी माइनस 5 माइनस 5 बाई रूट 5, इट मीन्स अपने पास यहाँ पर कितना आ गया रूट 5 विच इज इक्वल टू 100 माइनस सी, इसका अंडर रूट स्क्वायरिंग कर दें तो 5 इक्वल टू 100 माइनस सी, देयरफॉर सी इक्वल टू 95, देयरफॉर आंसर इज 2। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखो अपने पास यहाँ पर क्या है, एक लाइन ये गिवन है और एक ये दूसरा लाइन अपने पास यहाँ पर गिवन है, और इसमें जो है अपने पास यहाँ पर इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन का अपने को ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर। तो लाइन जो अपने पास यहाँ पर एक गिवन है, इस लाइन को अपन डिटरमाइन कर लें यहाँ पर। तो ये जो है प्लेन अपने पास यहाँ पर इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है बेसिकली, तो एक तो इस लाइन के अलॉन्ग वैक्टर और एक इस लाइन के अलॉन्ग वैक्टर। सपोज ये जो है अपने पास यहाँ पर इसका नॉर्मल वैक्टर एन वन, इसका नॉर्मल वैक्टर एन टू। तो वेक्टर अलोंग द लाइन L1, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो वेक्टर अलोंग द लाइन L1 इज N1 क्रॉस N2 विच इज इक्वल टू I कैप J कैप K कैप एंड 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 1 अपने आप यहाँ पर, एंड विच इज इक्वल टू I कैप टाइम्स माइनस 2 प्लस 3 माइनस J कैप टाइम्स 2 माइनस 3 प्लस के कैप टाइम्स माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो दिस इज ए वैक्टर अपने आप यहाँ पर अलोंग द लाइन एल वन। सिमिलरली वैक्टर अलोंग द लाइन एल टू विच इज अपने आप यहाँ पर नॉर्मल वैक्टर ऑफ दिस प्लेन इज एन थ्री एंड नॉर्मल वैक्टर ऑफ दिस प्लेन इज एन फोर, देयरफॉर वैक्टर अलोंग द लाइन एल टू इज एन थ्री क्रॉस एन फोर एंड विच इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप एंड 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 विच इज इक्वल टू आई कैप टाइम्स 4 माइनस 1 माइनस जे कैप टाइम्स 2 प्लस 3 और प्लस के कैप टाइम्स माइनस 1 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और माइनस 7 के कैप। तो दीज आर द वैक्टर्स अलोंग द लाइन L1 एंड L2। नाउ द नॉर्मल वैक्टर ऑफ द प्लेन, नॉर्मल वैक्टर ऑफ द प्लेन, नाउ द नॉर्मल वैक्टर ऑफ द प्लेन
इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपके पास यहाँ पर एन वन क्रॉस एन टू और क्रॉस एन थ्री क्रॉस एन फोर अपने पास यहाँ पर, विच इज इक्वल टू दिस इज अपने यहाँ पर एन वन क्रॉस एन टू एंड दिस इज एन थ्री क्रॉस एन फोर. देयरफॉर एन वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप वन वन जीरो थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन एंड विच इज इक्वल टू आई कैप टाइम्स माइनस सेवन जीरो माइनस जे कैप टाइम्स माइनस सेवन माइनस जीरो और प्लस के कैप टाइम्स माइनस फाइव माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस सेवन आई कैप प्लस सेवन जे कैप और माइनस एट के कैप. तो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. नाउ अ पॉइंट ऑन द प्लेन इस प्लेन पर एक पॉइंट अपने को लेना होगा यहां पर क्योंकि इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपने पास आ गया. अब यदि इस प्लेन पर एक पॉइंट अपने को मिल जाए तो हम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं यहां पर. तो प्लेन पर एक पॉइंट फाइंड करने के लिए हम देखते हैं यहां पर इस पे कि ये जो है अपने आप यहां पर इसमें वाई यदि अपन जीरो पुट कर देते हैं वाई जीरो पुट करने पर इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है टू एक्स प्लस थ्री जेड इक्वल टू टू एंड एक्स प्लस जेड इक्वल टू माइनस वन में. तो सॉल्विंग these two equations get x and z and hence we can get a point on the plane अपने यहाँ पर. तो इसको देखो इसको सॉल्व कर लें अपन. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2x कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट कर दिया 3z जेड माइनस टू जेड जेड इक्वल टू टू प्लस टू फोर. तो जेड इक्वल टू फोर जेड इक्वल टू फोर यहाँ रखकर x इक्वल टू कितना माइनस फाइव. तो पॉइंट अपने पास आ जाता है माइनस फाइव जीरो फोर. तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर इस पर आ गए माइनस फाइव जीरो फोर. अब देखो अपने पास यहाँ पर प्लेन पर एक पॉइंट आ गया और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपने पास है यहाँ पर. तो हम प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली. तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो गया आपके पास यहाँ पर माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस फाइव प्लस सेवन इंटू वाई माइनस जीरो और माइनस एट इंटू जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो. तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन वाई माइनस एट जेड और ये माइनस थर्टी फाइव और प्लस थर्टी टू. इट मीन्स क्या है ये आपके पास यहाँ पर माइनस थ्री. तो यानी ये बन गया आपके पास यहाँ पर देखो सेवन एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया. अब इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को निकालना है. तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर क्या हो जाएगा देखो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं सीधे यहाँ से कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इक्वल टू थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 49 प्लस 64 अपने आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं. तो विच इज इक्वल टू थ्री बाई अंडर रूट ऑफ 49 98 प्लस 64 162. ये 162 थ्री अपॉन 162 इज 81 इंटू टू 81 नाइन नाइन रूट टू दिस इज 1/3 रूट टू अपने. Therefore, answer is 4. Okay? हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33. इसमें क्या है अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देखिए अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लें अपन यहाँ से. तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई टू अपने यहाँ पर. तो ये चीज़ अपन समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ ये अल्फा इक्वल टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू एंड बीटा इक्वल टू वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू. तो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा अपने यहाँ पर. तो अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर है और बीटा कितना है माइनस ओमेगा. तो अब देखो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अपने को निकालना है अल्फा पावर 101 मतलब क्या हो गया आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 101 और प्लस बीटा मीन्स माइनस ओमेगा. तो माइनस ओमेगा पावर 107 ये अपने को फाइंड करना है यहाँ पर. तो देखो ये बन गया नेगेटिव पावर है अपने यहाँ पर इसका भी नेगेटिव तो माइनस साइन ये बाहर आ गया आपके पास यहाँ पर. तो इट बिकम्स ओमेगा पावर 202 और प्लस ओमेगा पावर 107. तो ये माइनस टाइम्स ऑफ दिस ओमेगा पावर 202 ये क्या हो जाएगा देखो इसमें अपन देखें यहाँ से तो थ्री का जो मल्टीपल है
201 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बेसिकली, तो ये ओमेगा प्लस, इसमें देखो अपने आप से यहाँ पर 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर अपने आप से यहाँ पर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 1, देयरफॉर इट बिकम्स 1 अपने आप, तो देयरफॉर आंसर इज 1. यस, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34. देखो इसमें क्या है अपने पास यहाँ पर, एक हाइपरबोला है आपके पास यहाँ पर, 4x² - y² = 36, जिसको अपन लिख सकते हैं x² - 9 - y² - 36 = 1. एक्चुअली इस हाइपरबोला पर इसके दो पॉइंट है P और Q, इन पर टेंजेंट्स रोके गए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है 0,3, वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ट्राइंगल PTQ जो बनता है उसका एरिया अपने को फाइंड करना है यहाँ पर इसमें. तो देखो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये जो पॉइंट है अपने यहाँ से यहाँ पर 0,3 टी, इससे ये जो दोनों टेंजेंट्स अपने यहाँ से यहाँ पर है TP और TQ, तो ये जो PQ होगा आपके यहाँ से यहाँ पर वो इसके लिए क्या हो गया पॉइंट टी के लिए, ये जो PQ लाइन है ये बेसिकली क्या बन गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया. तो अपन इसका इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का. तो PQ जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा आपके यहाँ से यहाँ पर, इसका इक्वेशन अपन लिख सकते हैं t = 0 से. तो देखो ये क्या बन जाएगा, x x1 इज 0 और बाई a² - y y1, y (y1) = 3/36 और = 1. तो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया आपके पास यहाँ पर. तो ये अपने आप सिंप्लीफाई करने पर आ जाता है y = -12, ये हो गया. तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया y = -12. अब ये y = -12 यानी इस पॉइंट का ऑर्डिनेट हो गया दोनों का. अब ये मैं इसमें रखकर हाइपरबोला के इक्वेशन में से x निकाल लेता हूँ, तो y = -12 हम यहाँ रख देते हैं, तो x² - 9 - 12 × 12 और डिवाइडेड बाय 36 = 1. तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाता है, देखो 3 ये 4, तो x² = 4 + 1 = 5 × 9, तो ये अपने आप यहाँ पर कितना 5 × 9, तो x = +/-3√5. ये इन दोनों पॉइंट्स के एब्सिस आ गए, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3√5, -12, और ये जो पॉइंट जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसके कोऑर्डिनेट्स अपने आप से यहाँ पर होंगे इसका सबसे सा +3√5 और -12. तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपने आप से यहाँ पर अब अपन लिख सकते हैं इजीली, देखो क्या बन गया 1/2 × बेस, ये अपने आप से यहाँ पर कितना 6√5 है लेंथ जो है, और हाइट अपने आप से यहाँ पर कितना 3 + 12 = 15, तो ये बन गया कितना एरिया आपके पास यहाँ पर 345√5 square units इज द एरिया. तो इट मीन्स आंसर इज 3. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 35. इसमें देखो एक अपने पास दो कर्व हैं जो कि 90° पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व, ठीक है ना. तो इसमें अपने को एक अननोन पैरामीटर बी का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ये अपने को यहाँ पर निकालना है. तो इसके लिए देखो अपन क्या कर देते हैं यहाँ से कि y² = 6x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दें 2y y′= 6, तो y' एट पॉइंट x1, y1 6, यानी ये अपने पास यहाँ पर 3/y1 ये आ जाता है आपके पास यहाँ पर, ये m1 हो गया आपके पास यहाँ पर. सिमिलरली सेकेंड जो कर्व है आपके पास यहाँ पर इस पर, तो इसको डिफरेंशिएट करके अपन यहाँ से 18x + 2by y(y′) = 0, तो y′(x1, y1) = कितना -9x1/b(y1), ये m2 हो गया, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, 90° पर कट कर रहे हैं, इसलिए इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना होगा -1. तो m1 m2 = -1, m1 कितना है 3/y1 और m2 क्या है आपके पास यहाँ पर -9x1/b(y1 एंड विच इज इक्वल टू -1, ये देखो कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पर, तो इससे क्या 27x1 और इक्वल टू कितना by1 square. अब x1, y1 दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि एक रिलेशन अपने पास है y1 square = 6x1, ये फर्स्ट कर्व से अपने पास यहाँ पर ही आ जाता है. तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ y1 square को 6x1 से, तो ये बन गया आपके पास यहाँ पर 27x1 = b × 6x1. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं बी का वैल्यू x1 cannot be equal to 0 बेसिकली, क्यों 0 नहीं होगा ये अपन देख सकते हैं इससे, क्योंकि यदि x1 0 हो गया तो y1 भी 0 होगा, और ये जो पॉइंट 0,0 है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब है कि x1 cannot be 0, therefore value of b is
27 बाई 6 मीन्स 9 बाई 2 अपने आप यहाँ पर, देयरफॉर आंसर इज 2। ओके,